हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अजय नरवल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं नीमच, दो तीन काम है उनको पूरा करने के लिए और थोड़ा घूमने के लिए, तो चैनल पर बने रहिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी गर्मी लग रही है सुबह सुबह ही। और काम करने वालों के लिए क्या गर्मी और क्या ठंड, तो काम तो करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और उससे पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं, पेट्रोल थोड़ा कम है गाड़ी में। पेट्रोल भरवाने के बाद में फिर निकलते हैं अपने रूट के लिए नीमच की तरफ। और कुछ दिन पहले पेट्रोल की जो प्राइस थी वो 118 117 ऐसे कुछ थी, और आज की प्राइस है इसमें 109 रुपये, वहाँ मीटर में लिखा हुआ है देख सकते हैं, 109 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। तो 7 से 8 रुपये कम हुए हैं इसमें, 809 रुपये कम हुए हैं, तो अच्छी बात है। ज़्यादा प्राइस भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो कम प्राइस होनी चाहिए पेट्रोल के हिसाब से। और भीड़ भी बहुत हो रही है पेट्रोल पम्प पे पेट्रोल भरवाने के लिए, बहुत से लोग जा रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो पेट्रोल भरवा लिया है और अब चलते हैं, बहुत गर्मी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। अगर घर से बाहर का कोई भी काम हो आपको, तो आप सुबह का टाइम कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि दोपहर के टाइम पे बाहर दौड़ें, उससे बेटर है सुबह। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, क्योंकि मैं जो मेरी वीडियो है मैं शेयर करता रहता हूँ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, और साथ ही यूट्यूब पर आपको देखने को तो मिल ही जाती है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, मज़ेदार लगती है, देख के मज़ा आता है, तो बिल्कुल इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी और आगे आपको इससे भी बेटर वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मोबाइल से कर रहा हूँ, जो मेरा नया मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है उस पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर पता नहीं क्यों इसका जो माइक है वो काम नहीं कर रहा है, जिससे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है क्लियरली। बहुत ही ज़्यादा जो हवा है उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मेरी आवाज़ कम आ रही है। तो मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, और जो पब्लिक का रिएक्शन है वो देखने लायक है, सब लोग मुझे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। और बस पहुँचने वाले हैं कॉलेज के पास में, ये आ गया है हमारा कॉलेज, आरवी कॉलेज मनासा, और इसी के सामने आपको यहाँ पर दशहरे मैदान देखने को मिलेगा और उसके आगे आपको वृंदावन गार्डन। तो वीडियो पर बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों मैं जो ये बाइक चला रहा हूँ वो है पल्सर 125 BS6 मॉडल, और जो कंपनी इसकी टॉप स्पीड क्लेम करती है वो 100 प्लस की है, बाकी मैं 105 तक तो मैं ही ले जा चुका हूँ इसको, 105 तक ये आराम से गई है और 105 से ऊपर भी जा सकती है, पर मैंने इसको ज़्यादा पुश नहीं किया क्योंकि ज़्यादा ही हवा चल रही थी हाईवे पर। इसकी टॉप स्पीड लगभग 105 से लेकर 110 के लगभग होगी, बाकी 105 तक तो मैंने इसको पहुँचा कर देखी है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो फिर कभी ट्राई करेंगे कहाँ तक जा सकती है ये, 105 तक तो आराम से जा सकती है, 105 से ऊपर भी जा सकती है, लगभग शायद 110 या 115 के आसपास ही आराम से जा सकती है, बाकी रोड का डिफरेंस होता है रोड कैसा है, और अगर हाईवे हो तो और भी बढ़िया, बाकी इस रोड पर गाड़ी बबलिंग करती है तो थोड़ा रिस्क रहता है। अभी देख सकते हैं ये 90 पर आराम से पहुँच गई है, बिना किसी मतलब परेशानी के आराम से 90 के पास में आराम से पहुँच गई है ये, और हाईवे पे बढ़िया चल रही है, टू लेन है तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है, बाकी हाईवे पर जब अगर हाईवे खाली हो तो आप भी ट्राई कर सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तो साफ साफ मना करूँगा कि कोई भी ऐसे बिल्कुल भी रिस्क ना ले, कोई भी ऐसा ट्राई ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है और आजकल एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हो रहे हैं, देखने को मिलते रहते हैं, कोई ना कोई किसी की जान जाती है एक्सीडेंट में, तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और हम पहुँच गए हैं नीमच सिटी में, देख सकते हैं ये सिहाल हॉस्पिटल रोड है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ट्रैफिक होता रहता है, यहाँ पर जो पुल है यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। और दोस्तों आप सभी से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप सभी को कौन सी गाड़ी पसंद है 125 सेगमेंट में, जैसे कि ये पल्सर 125 है या होंडा शाइन SP 125 है या फिर रेडर है, TVS रेडर, आपको कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको कौन सी बाइक पसंद है। मुझे पर्सनली ये पल्सर है जो 125 CC की बाइक है, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो इसकी स्टेबिलिटी है हाईवे पर और सिटी में जो चलाने का मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ही मज़ा आता है इसको चलाने में। 125 CC सेगमेंट में आपकी कौन सी बाइक फेवरेट है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट करें।
और अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेसी चौराहा, और यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं कार बाइक के, और लोग भाग है ना बिना इंडिकेटर दिए ही टर्न ले लेते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं ये महाशय है। और एक और देखना, ये बीच में घुस जाएंगे ना, राइट में ना लेफ्ट में देखेंगे और सीधे चले जाते हैं। और इस रोड पर निकलते वक्त आप सभी ध्यान रखें कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात रहती है, और वहाँ यहाँ पर चेकिंग होती रहती है, तो देख के ही जाना यहाँ पर, बिना हेलमेट बिना मास्क के ना निकले। अभी तो चेकिंग कम हो गई है, बाकी जो हैवी लोडिंग वाहन है उनकी चेकिंग होती रहती है, पिकअप वगैरह है या ट्रक वगैरह है, उनकी चेकिंग होती रहती है इस रूट पर। और दोस्तों मारुति की तीन जो कारें हैं वो CNG में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। पहली तो है स्विफ्ट, सेकेंड है विटारा ब्रेजा और थर्ड है बलेनो। ये जल्द ही CNG मॉडल में लॉन्च होने वाली है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप CNG कार लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आगे फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइस बढ़ सकती है, कभी भी कम ज़्यादा हो सकती है। और देखिए इन अंकल जी को बिना इंडिकेटर दिए ही टर्न ले रहे हैं। और आप सामने देख रहे हैं SUV कार जो कि महिंद्रा की है, महिंद्रा स्कॉर्पियो। केवल नाम से ही बिकती है गाड़ी ये, बाकी इसमें ज़्यादा फीचर्स तो नहीं आते, केवल नाम से बिक रही है गाड़ी, देख सकते हैं। इसका जो लुक है वो काफ़ी स्टाइलिश मिलता है, इंजन काफ़ी बढ़िया मिलता है, स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाती है, और इसका नाम ही काफ़ी है। इसका सबसे पुराना मॉडल ही है, और जो इसके नए मॉडल जितने भी आते हैं वो केवल नाम से बिकते रहते हैं। और इसका जल्द ही इसका जो नया मॉडल है वो भी लॉन्च होने वाला है, उसकी फ़ोटो में लगा दूँ, आप देख सकते हैं इस तरह कुछ दिखती है ये नई स्कॉर्पियो। और ये आ गया है फवारा चौक, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे होटल मिलेगी जो नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर चाट वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलती है। और आगे ही आपको यहाँ पर नीमच बस स्टैंड मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में थोड़ी दूर जाके आपको देखने को मिलेगा जो नीमच बस स्टैंड है। और जो ये वाला रूट है आपको सीधा आपको इंदौर लेके जाएगा, यहाँ से आपको जो रूट है ये ले जाएगा पिपलिया मंडी, मंदसौर, जावरा, रतलाम, और रतलाम के बाद बदनावर, बदनावर के बाद में फिर लेबड़, लेबड़ के बाद में घाटा बिलोद, में फिर इंदौर, बेटमा के बाद में इंदौर, ये वही रूट है। अगर कोई नया बंदा है वीडियो पर तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और कई सारे आपको ब्लॉग्स और जो मोटर ब्लॉगिंग सेटअप है यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। ये बस लेफ्ट में जा रही है, यहीं से आपको जो नीमच बस स्टैंड है वो मिल जाएगा, और यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है, देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड में ये है नीमच बस स्टैंड, बसें वगैरह खड़ी हैं। और ये स्ट्रेट रूट है हमारे इंदौर के लिए। और दोस्तों इसी रूट पर आपको यहाँ पर एक नीमच RTO ऑफिस मिलेगा, जहाँ पर कभी भी नाकाबंदी हो सकती है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो चेक कर सकते हैं। तो कोई भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो नीमच के आसपास के हों, तो इस रूट पर निकलने से पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो पूरे कंप्लीट कर लीजिए, जैसे कि आपकी जो RC वगैरह हो गई, लाइसेंस तो पूरा मतलब पूरी तरह होना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर कभी आपसे लाइसेंस वगैरह की जो क्या बोल सकते हैं देख सकते हैं जो RTO ऑफिसर्स हैं, वो कभी भी नाकाबंदी यहाँ पर हो जाती है और चेक करते हैं गाड़ियों के, और डॉक्यूमेंट वगैरह भी यहाँ पर चेक होते रहते हैं। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है गाड़ी के, RC वगैरह, लाइसेंस वगैरह, उसको कंप्लीट करें, और ख़ास तौर पर आपके जो बीमा है उसको भी कंप्लीट रखें। और अभी जो हमने पुल क्रॉस किया है नीमच बस स्टैंड रोड के आगे, यहाँ से आपको बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक, इसलिए इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 2-3 शोरूम मिलेंगे, देखने को मिल जाएंगे। और यहीं पर आपको काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल्स जो दुकानें हैं वो मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सेकेंड हैंड बाइक मिल जाएगी, सेकेंड हैंड कार मिल जाएगी, और साथ ही आपको यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं नया ट्रैक्टर भी मिल जाएंगे, पुराने ट्रैक्टर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही आपको यहाँ पर जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं उनमें ज़्यादातर मिलने वाली है कार और बाइक्स, और साथ ही आपको यहाँ पर ट्रैक्टर भी मिल जाएंगे। अगर आप सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम रेट में मिल जाएंगे आसानी से। और इसी रूट पर यहाँ पर आपको 2-3 दुकानें हैं जो डेकोरेशंस के लिए काम आती है कार और बाइक के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो सामने बस खड़ी है उसके आगे यहाँ पर एक शॉप है कंचन कार डेकोर, यहाँ पर आपको सारी एक्सेसरीज मिल जाएगी कार वगैरह की सारी, तो एक बार आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं जो भी आपको एक्सेसरीज चाहिए कार या बाइक के लिए। और अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि टाइम हो गया 10-11 मतलब लगभग 12 बजने वाले हैं, और हाथों में मैंने ये पहन रहे हैं ब्लैक कलर के ताकि इससे धूप ना लगे, क्योंकि हाथ काले हो सकते हैं उसमें। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और ये सामने आपको जो कार दिख रही है टाटा कंपनी की है, टाटा इंडिका विस्टा, जो कि उस टाइम पर बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी, और अभी भी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं टाटा कंपनी की वो काफ़ी मजबूत गाड़ियाँ हैं, जैसे टाटा पंच हो गई है, टाटा नेक्सोन है, अल्ट्रोज है, टियागो है और टिगोर है। पर्सनली मुझे टाटा नेक्सोन है बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो 5-स्टार रेटिंग के साथ में आती है और काफ़ी बढ़िया उसमें आपको इंटीरियर मिल जाता है, इंटीरियर जो है वो काफ़ी बढ़िया है,
और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे है। कंफर्ट लेवल आपको इसमें काफ़ी बढ़िया मिलता है, जिसकी जो वीडियो है वो आपको जल्द ही मिलने वाली है, कल या परसों आपको वीडियो को मिल जाएगी, तो उस वीडियो को पूरा देखना। और आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।